आज बहुत अच्छी किस्मत है, अभी दो टाइगर तो हमने देख लिए हैं, अब तीसरे टाइगर के लिए ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि तीसरा टाइगर भी नजर आए। काफी अच्छा माया में उसे हो सकता है, मेल टाइगर भी हो सकता है, मेल टाइगर भी उधर जाके पता चलेगा क्या है, टाइगर है बस ले लें। हाँ टाइगर बैठा हुआ है, तो हम लोग काफी एक्साइटेड है, तीसरा टाइगर देखने जा रहे हैं। काफी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग देख रहे हैं टाइगर को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सफारी करने जा रहे हैं ताडोबा के सबसे फेमस जोन मोहरली जोन के अंदर, और ये आज की हमारी इवनिंग सफारी होने वाली है। और आज का एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि ताडोबा जंगल सफारी के दौरान किस किस तरह के मूवमेंट्स आते हैं, किस तरह से टाइगर साइटिंग होती है, और जंगल में किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स टाइगर के अलावा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। मिलाओ ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। ताडोबा नेशनल पार्क सफारी करने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से किया जाता है। जब आप टिकट बुक कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे हम जो जोन में सफारी करने जा रहे हैं वो है मोहरली जोन, तो हमको आना पड़ेगा मोहरली जोन के एंट्री गेट पर। और इसका लोकेशन के बारे में अगर बात करूँ तो ये है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र का चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ताडोबा नेशनल पार्क है, स्थित है। और मोहरली जोन का डिस्टेंस चंद्रपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर का है। और यहाँ पर आकर आपको कुछ इस तरह का जो आपका ऑनलाइन परमिट होता है उसे वेरीफाई कराना होता है, और वेरीफिकेशन के बाद आपको जो कैंटर नंबर है वो अलॉट किया जाता है। ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, अंदर मोबाइल फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर आप अपने साथ कैमरा ज़रूर ले जा सकते हैं, अगर आपके पास खुद का कैमरा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो इस तरह की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कि आपको मोहरली गेट के जस्ट बाहर ही नज़र आएंगी, और कैमरा जो है वो अलग अलग साइज़ के हिसाब से आपको मिलते हैं कि कितना जूम आपको चाहिए, कितना बड़ा लेंस वाला कैमरा चाहिए। सभी के चार्जेस अलग अलग हैं। सर थोड़ा सा आप बताएंगे चार्जेस क्या क्या हैं? ओके, ये 70 मार्क वन है जी, इसको 55-250 mm के लेंस के साथ ये आपको 1000 में जी। फिर दूसरा है कैनन का 600D जी, इसका सेम लेंस है 55-250 mm जी, ये जाता 800, फिर आता है 1000D जी, इसका है 500, ये सादा है सर। ओके, तो सबके मतलब और ये लगभग ये सबसे कॉस्टली पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली है, 2001 राउंड 2000-1500 के आसपास ये रहते हैं, ये रहते हैं लगभग। अच्छा, और ये सर बाइनोकुलर्स अगर लेते हैं 200 एक सफारी के लिए, तो ये कुछ चार्जेस हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से जो अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप इस तरह से कैमरा ऑन रेंट भी ले सकते हैं। तो हमारा जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें कैंटर अलॉट कर दिया गया है, तो चलिए अब चलते हैं सफारी के लिए। ताडोबा के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, अगर आप मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो कुछ इस तरह का बॉक्स है जिसके अंदर आपके मोबाइल फ़ोन्स को स्टोर करके रखा जाता है, और उसके बाद बॉक्स को लॉक कर दिया जाता है ताकि इन द एंड ऑफ द सफारी आपको वापस मिल जाए मोबाइल। लेकिन सफारी के दौरान आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप चाहें तो कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है, हम जो सफारी कर रहे हैं ये है अप्रैल मंथ 2023, और आज की जो सफारी है ये इवनिंग सफारी है, और इसका ड्यूरेशन है 2:30 बजे से शाम की 2:30 बजे से शाम की 6:30 बजे तक का। और हमारे साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो कि एक्साइटेड हैं सफारी को लेकर। कैंटर सफारी में दो गाइड्स होते हैं और एक ड्राइवर होते हैं बाकी टूरिस्ट के अलावा। हमारे साथ एक मैम है गाइड मैम, आपका नाम? तेजस्विनी मैम का नाम है। और सर आपका नाम? शिव कुमार लोनवाले। अच्छा, तो हमारे साथ दो गाइड सर हैं और एक ड्राइवर सर हैं जो हमारे साथ सफारी के लिए जाएंगे, और बाकी 22 मेंबर्स होते हैं। सर मैम 22 है ना कैंटर के अंदर? 22 मेंबर्स होते हैं सफारी के लिए जो भी टूरिस्ट होते हैं। और अपने कैंटर के जो ड्राइवर है उनका नाम है आनंद, हम तीनों मिलकर ट्राई करेंगे आप लोगों को बाकी सभी एनिमल्स टाइगर की उसकी सभी लोग टाइगर देखने आए, लेकिन उसके अलावा भी हमारे जंगल में बाकी सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, हम सब कुछ अच्छे से देखते हुए अपनी सफारी पूरी करके 6:30 के अंदर रिटर्न अपने गेट पे आएंगे। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जंगल में अंदर की ओर टाइगर की सर्च में, लेकिन बीच बीच में जो भी वाइल्ड एनिमल्स हमें दिखेंगे हम उन्हें भी अच्छे से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
प्लस है, वो मेल है, डियर फैमिली में से सबसे बड़ा मेल। हम्म, इसको एशियन एशियन डिप डियर भी बोलते हैं, सांबर डियर को। जिसको हॉर्न्स रहते हैं वो मेल डियर, जिसको हॉर्न्स नहीं रहते हैं वो फीमेल डियर। और ये है पक्षी जिसका नाम है ओरिएंटल हनी बजर्ड। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस महीने में हम सफारी कर रहे हैं यह है अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में भी आप देख सकते हैं जंगल काफ़ी सूख चुका है। इस जंगल में अधिकतर मात्रा में बैम्बू है, यानी कि बांस है, जो कि इस जंगल का लगभग 60-70% वेजिटेशन को कवर करता है। जंगल में कई स्थानों पर आर्टिफिशियल वाटर होल्स बनाए गए हैं ताकि जंगल में गर्मियों के दौरान जब पानी सूख जाता है तो जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध हो सके। और कई बार इन वाटर होल्स पर टाइगर बैठे हुए मिल जाते हैं, तो हम हर वाटर होल को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी एक जिप्सी संकेत दिखी गई है कि इस डायरेक्शन में किसी नाले के पास में टाइगर का मूवमेंट हुआ है, तो उस डायरेक्शन में हम मूवमेंट करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी हमारी सफारी को लगभग एक घंटा खत्म हो चुका है, अभी बजे हैं लगभग 3:30 और टाइगर साइटिंग होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे संकेत आ चुके हैं, अलार्म कॉल भी आ रही है। स्पॉटेड डियर जो है वो अलार्म कॉल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हो सकता है, तो हम चेक करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस एरिया में अलार्म कॉल्स आ रहे हैं और टाइगर शायद इसी डायरेक्शन में कहीं हो सकता है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी जिप्सीज और साथ में आ चुकी है, जो कि जिप्सी और कैंटर दोनों हैं, जो कि अभी टाइगर का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जंगली है थी, माया ना मैं माया है ये नहीं लारा तो सब एडल्ट फीमेल है, सब एडल्ट फीमेल चला गया पूरी जा रही है बीबी, तीन वर्ष से दौड़ पा रहे सामान कोना कर जाते शांत रहा ये गाना दुखा रहा है वो सीट से खाली उन जावा देखा पूरा ओ देखो इधर ही एक रुपया है मम्मी एक रुपया वो जा रहे डाल के हे पप्पू कड़ पे आंटी आपको कैसा लगा टाइगर देख के अभी कुछ ही टाइम हुआ? अच्छा तीसरी बार आ रही है। अच्छा तीनों बार दिखा आपको? मैम आपको पहली बार और आपको पहली बार भी टाइगर दिख गया, बहुत बढ़िया। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो दो जगह गई हूँ, एक हमारे वर्धा में है जी और जिम कॉर्बेट, वहाँ पे तो बहुत बड़ी है पर कभी नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा। ये पहली बार है आपका? हाँ पहली बार दिखा है। और वो भी इतनी जल्दी दिख गया, अभी सफारी में एंटर मजा आ गया, मतलब बीच में गई थी वहाँ पे नहीं दिखा। अच्छा ये तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। खातोड़ा ये है ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की खातोड़ा चेक पोस्ट, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सफारी के दौरान उतर सकते हैं, उतर सकते हैं और वॉशरूम और पानी के लिए जा सकते हैं। तो अभी ताडोबा में सफारी करते हुए हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है और अभी 1.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हुई। टाइगर रोड क्रॉस करते हुए बहुत अच्छे से गया। अभी ये जो एरिया हम देख रहे हैं ये है ताडोबा नेशनल पार्क की, ये वाला जो रेंज है ताडोबा की रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी और अभी जो हमने रेंज कवर करी वो मोहरली जोन थी। 1.5 घंटे में बहुत अच्छी साइटिंग हुई, लेकिन अभी सफारी का लगभग 2.5 घंटा बाकी है और टाइगर के दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि टाइगर
बहुत ज़्यादा मात्रा में है। टारोबा के अंदर लगभग 115 टाइगर हैं जिन्हें हम सफारी के दौरान देख सकते हैं। वैसे जो टूरिज्म एरिया है वो 20% ही है, लेकिन टूरिज्म एरिया के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे टाइगर हैं जो कि बहुत हैबिचुअल हैं और बहुत अच्छी साइटिंग देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और सफारी को एक्सप्लोर करते हैं। 41 स्पेसिस मैमल्स के हैं यहाँ पे, उसमें 4 एनिमल VIP में काउंट होता है, वो थोड़े से रेयर रहते हैं। पहला है टाइगर, दूसरा लेपर्ड, तीसरा स्लॉथ बियर और चौथा वाइल्ड डॉग। ये चारों में से साइटिंग का रेशो अच्छा रहता है टाइगर का, बिकॉज ऑफ एरिया रहता है वो टाइगर बोल्ड है यहाँ के, जो प्रकार है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। तो बोल्ड भी रहता है, गाड़ी कितनी भी रहो तो फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत अच्छा साइटिंग होता है। टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को 2 एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया है, कोर जोन एरिया और बफर जोन एरिया, और इन दोनों एरियाज के 22 गेट्स हैं, 22 एंट्री गेट्स यानी कि, जिसमें कि 6 एंट्री गेट्स तो कोर जोन एरिया के हैं और बाकी 16 एंट्री गेट्स बफर जोन एरिया के हैं। ये है स्पॉटेड डियर्स। इस पेड़ पर है मोटेल्ड वुड आउल्स जो कि बड़े साइज के उल्लू होते हैं। यह है एक इंडियन गौर, कई लोग इसे बाइसन कहते हैं, लेकिन यह बाइसन नहीं है, यह है एक इंडियन गौर जो कि वाइल्ड कैटल फैमिली से बिलोंग करता है। अभी बज चुके हैं 4:30, हमारी सफारी को 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एक टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग करी और काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स अभी तक हमें नज़र आ चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसे एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर एक और टाइगर के दिखने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दिखाई दे, लेकिन बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि टाइगर दिख जाएँ और अदर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के भी चांसेस बने हुए हैं। तो चलिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां पर दोबारा से टाइगर साइटिंग हो रही है। काफ़ी एक्साइटेड है टाइगर को देखने के लिए। काफ़ी सारी जिप्सीज सामने इकट्ठा हो चुकी हैं, यहां से आप देख पाएंगे बहुत सारी जिप्सीज हैं, और हम उस लोकेशन में पहुंचने वाले हैं जहां से बहुत अच्छी टाइगर की साइटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं टाइगर को। हाँ, तो यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है, बहुत खुश हैं हम सभी। मेरा टाइगर पानी में बैठा, रुद्रा नाम है इसका। क्या रुद्रा है? इस टाइगर को बहुत दूर से देख रहे हैं हम, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितना दूर से। ये देखिए इतना दूर है ये टाइगर और हम इसको यहाँ देख रहे हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं टाइगर, बहुत मोटा सा टाइगर। वाह, मेल है ना ये भी? हाँ, मेल। अपन झाड़ी के पीछे चल गया, जा रहे जा गाड़ी के पीछे। वहाँ बैठेगा शायद। मैं तो आता आराम कर, बॉडी तेजी ठंडी जाएगी। क्या कर रहा है वहाँ पे? क्या कुछ कर रहा है क्या? बॉडी कर रहा है। अच्छा, कैमरामैन सेपरेट है, कैमरा गिन दे सर, वीडियो खींच ले। वाओ, इसको चालू करो ना, मैं इसको पकड़ता हूँ। हाँ, लो पीछे से। नहीं, ये तो आपने समोर तो नहीं दिखता। हो गया ना? एक मिनट, अब चालू हो गया। चालू हो गया ना? इधर नहीं आएगा उतना, जूम करो, जूम ऐसे जाएगा वो। अरे वाह वाह, वेरी गुड, लो ठीक है, पॉटी कर रहा है, देखो। हमारे कैंटर के सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड और टाइगर को देखते हुए।
काफी खुश हैं आप सभी लोग टाइगर को देखते हुए। हाँ पार्टी कर रहा है नाले लगला तो होते हैं वापस उम्र तो हाँ गया 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 अंदर गया आत्मजी नाला है नाले नाले न चलते तो अभी आप सभी को सेकंड बार टाइगर देख के कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बता दीजिए। एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप लोग? मम्मी देखी भी नहीं थी दो दिख गए। अच्छा अभी तो अभी जंगल बाकी है और माया का इलाका चल रहा है सबसे ज्यादा साइटिंग देती है वो शायद दिख जाए पैसा वसूल। हमारी टाइगर की सर्च अभी जारी है क्योंकि सफारी का समय काफ़ी सारा बचा हुआ है लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए और अन्य वाइल्ड एनिमल्स को देखते हुए मैं अब आपको ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के नाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। ताडोबा नाम की उत्पत्ति तारू नाम के ग्राम प्रमुख के नाम से की गई है। तारू गोंड आदिवासियों के एक ग्राम प्रमुख थे यानी कि गोंड राजा भी हम उन्हें इस एरिया का कह सकते हैं जो पुराने ज़माने में इस जंगल में आदिवासी लोग रहा करते थे उनके ग्राम प्रमुख थे तारू। और एक बार की बात है जब तारू जो ग्राम प्रमुख थे उनकी एक बाघ के साथ मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में वो या तो बाघ के द्वारा मारे गए या फिर उन्होंने बाघ को मार दिया। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है ऐसा लोगों का कहना है लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तारू जो थे ग्राम प्रमुख वो बाघ के द्वारा मारे गए और इस इंसिडेंट के बाद तारू लोक देवता की तरह गोंड आदिवासियों द्वारा पूजे जाने लगे। तो तारू के नाम से नाम पड़ा ताडोबा और जो दूसरा वर्ड है अंधारी वो एक रिवर का नाम है जो कि इस फॉरेस्ट से बहकर निकलती है। पुराने टाइम पर ताडोबा नेशनल पार्क था जिसे 1955 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और जो अंधारी था वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था लेकिन 1993 के अंदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और नाम पड़ा ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क या फिर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम ये अंदर से काम करते हैं। ये जो लाइन है सर ये ट्रांजिट लाइन बोलते हैं। अच्छा यहाँ से उनको काम करने का परमिशन है। अच्छा एक एक लाइन से वो जाते हैं और जंगल में कुछ काम करना हो तो वो करते हैं। पूरा टीम रहते हैं उनके साथ फॉरेस्ट गार्ड भी रहते हैं वो उनके साथ में रहते आज बहुत अच्छी किस्मत है अभी दो टाइगर तो हमने देख लिए अब तीसरे टाइगर के लिए ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि तीसरा टाइगर भी नजर आए। काफी अच्छा माया में उसे होता है मेल टाइगर भी हो सकता है मेल टाइगर उधर जाके पता चलेगा क्योंकि काफी सारी जिप्सीज यहाँ लग चुकी है लाइन से आप दूर से देख सकते हैं काफी सारी जिप्सीज है। अच्छा माया है यहाँ पे हो सकती है लेकिन तीसरा टाइगर कुल मिला के हमारे पास है और सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड और खुश है। टाइगर है बस ले लें। हाँ टाइगर बैठा हुआ है टाइगर बैठा हुआ तो हम लोग काफी एक्साइटेड है तीसरा टाइगर देखने जा रहे हैं। काफी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं यहाँ पर काफी सारे लोग देख रहे हैं टाइगर को। मैं भी साथ में हूँ थोड़ा दूर बैठा हुआ है मैं आपको टेलीफोटो लेंस के साथ दिखाता हूँ जूम करते हुए। ये जो टाइग्रेस है ये माया है ताडोबा की रानी के नाम से संदेश माया ही है ना ये वाह उठेगी अभी तीसरा टाइगर देख रहे हैं ताडोबा के अंदर देरी देख रही हो टाइगर हमसे काफ़ी दूर है अब ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर है हम इतनी दूर से देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जिप्सीज लगी हुई है जैसे टेलीफोटो लेंस है तो थोड़ा सा लगेगा बट वहाँ पर है टाइगर इतना जूम करने के बाद देख रहे हैं टाइगर। और सबसे बड़े सीन की बात तो ये कि यहाँ पर टाइगर के साथ साथ हिरन भी है कई सारे हिरन हैं
वो उठ गई। मुर्गी टाइगर्स मेरे टाइगर्स घास में आ रही है। कमेंट पास करना बंद करा। आपल्या जवळून येऊ शकतो। आवाज कमी ठेवा। हिरन तो वहीं खड़े हैं। इतने पास में हिरन खड़े हुए हैं। टाइगर नहीं रहता। हाँ, जबकि हिरन के पास से निकल गया वो। हाँ, भूख नहीं लग रही उसको। कितना पास से गए। अब देखिए क्या यहाँ से जाना पास में आके। ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर टाइग्रेस है। यहीं आ रही है, यहीं पे आ रही है। कितना अच्छा शॉट है। हाँ, स्प्रे मार के। काफ़ी कोई बात नहीं, जा रही पेड़ के पीछे। उस रोड पे जा रही हो तो क्या उधर सर वो कैंटर उधर ही ले चलो ना सर। वो वन वे ट्रैक है, वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं जा सकती। अच्छा, वो जा सकते अच्छा। काफी देर तक दिख रही है तो सबसे तीनों में से ये बेस्ट है। और रानी है ये भी बेस्ट है। और ये हमारे जंगल की क्वीन है। हाँ। क्वीन तो ऐसे थोड़ी ना बनी बेचारी। चार मेलों के बीच में सरवाइव कर रही है। पांच है क्या? पांच। अच्छा, दिख रही है अभी भी। अपन उधर से जा सकते हैं कहीं से? नहीं, कहीं घूम घाम के भी नहीं। घूम के भी नहीं, उसको एक घंटा लगेगा। 25 के स्पीड से कैसे होगा? हाँ, वहाँ पे कुछ सूंघ रही है। एक मिनट में रुक जाओ, बस हल्का सा दिख रहा अभी तक मुझे। अरे रोड पर आ गई, वो तो प्रॉपर रोड पे आ गई।
पास अपना गाड़ी जा पाती हूँ। ये तो बिल्कुल रोड रोड चल रहे हैं। हाँ सही में बहुत बात दूर है, रोड रोड चल रही है। आता खूब दूर गई आता ना दिस्त। ये पांडर कोनी बोल के एरिया है सर। अच्छा ये माया जहाँ पे दिखी, पहले यहाँ पर विलेज था जिसको 72 में रिलोकेट कर दिया। तो अभी हमने तीन टाइगर की साइटिंग करी और जो तीसरी टाइगर्स थी वो थी माया, जैसे ताडोबा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसकी साइटिंग सही में बहुत देर तक हुई, काफ़ी अच्छी साइटिंग थी। सभी लोग जो कैंटर में थे सभी लोग काफ़ी खुश थे, बिकॉज तीन तीन टाइगर एक साथ एक ही सफारी में देखना बहुत ही एक्साइटिंग था। और आप सभी खुश हैं? बहुत खुश हैं क्योंकि तीन टाइगर देखे सभी ने। और अभी भी सफारी का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 5:15 हुए हैं। सफारी जो है 6:30 ख़त्म होगी, यानी कि अभी एक घंटे से ऊपर का समय बाकी है। अभी जंगल में जब तक हम हैं चांसेस जारी हैं कि और भी टाइगर देख सकते हैं या और अलग अलग तरह के वाइल्ड एनिमल्स हम देख सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस जंगल को। जंगल में कुछ डिस्टेंस पार करके अब हम पहुंच चुके हैं ताडोबा लेक, जहां पर कई सारे सांभर डियर नज़र आ रहे हैं। और ये लेक एक नेचुरल लेक है, यानी कि इसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है। और इस लेक की एक और ख़ास बात कि इसमें कई सारे क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ हैं, लेकिन मगरमच्छ होने के बावजूद यहां सांभर डियर काफ़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं। जितने आपको ग्रीन वाले पेड़ दिखेंगे पूरे जामुन के पेड़ है। आगे में टेंपल है, ताड़ोबा मंदिर है, यहाँ पे लोग आते थे दर्शन करने के लिए, जत्रा भी भरती थी। ये वही लोक देवता तारू का मंदिर है जिनके नाम पर ताडोबा नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। और इस स्थान का डिस्टेंस मोहार्ली गेट से, जहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लगभग 19 किलोमीटर का है। और अब हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं ताडोबा लेक के किनारे और कई सारे क्रोकोडाइल्स नजर आ रहे हैं। ताडोबा लेक के आसपास क्रोकोडाइल्स के अलावा और भी कई सारे वाइल्ड एनिमल्स नजर आ रहे हैं। अब इन वाइल्ड एनिमल्स को देखते देखते मैं आपके साथ कुछ जरूरी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि कैंटर सफारी ताडोबा नेशनल पार्क के सिर्फ मोहर्ली जोन में ही होती है, यानी कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का एक ही ऐसा जोन है जिसका नाम है मोहर्ली जोन, वहीं पर आप कैंटर सफारी कर सकते हैं। और कैंटर सफारी का जो चार्ज लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये के आसपास लगता है, यानी कि 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है कैंटर सफारी का, जिसका ड्यूरेशन होता है लगभग 4 घंटे का, यानी कि ये 4 घंटे की सफारी होती है। 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर आप किसी तरह का कैमरा अंदर लेकर जाते हैं, चाहे आप एक कैमरा ले जाएं, दो ले जाएं, उसके हिसाब से आपके चार्ज लगते हैं। पर कैमरा का 250 रुपये आपको चार्ज लगता है। अगर आप एक कैमरा ले जा रहे हैं तो 250 रुपये, दो ले जा रहे हैं तो 500 रुपये। इसकी अलग से स्लिप कटती है जो आप विंडो पर भी कटवा सकते हैं, और ऑनलाइन बुकिंग जब आप टिकट की करते हैं उस टाइम भी एक ऑप्शन मिलता है, तब भी आप कैमरा का ऑप्शन चूज़ करके ऑनलाइन भी इसका टिकट कटवा सकते हैं। ये जो फूल अभी आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र का राष्ट्रीय फूल जिसका नाम है जारुल फ्लावर्स। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने को आया है, लगभग 6 बज चुके हैं, सफारी का सिर्फ आखिरी आधा घंटा बचा है और सनसेट भी कुछ ही देर में होने ही वाला है। कई सारे गोस्ट ट्री नजर आ रहे हैं। अभी समझ चल रहा है तो ये कौन सा डिवाइस है।
विंटर में अभी ये विंटर जब आएगा लाइट ग्रीन रहेगा और रेनी सीजन में रेडिश ब्राउन कलर रहता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है और उसका जो गम निकलता है वो मेडिसिन में यूज होता है। अच्छा, और फुल मून लाइट में भूत के जैसे टाइम का जैसे तो भोस्ट्री बोला गया। एक बात मैंने यहाँ पर ताडोबा में सफारी करते हुए देखी कि जितने भी गाइड हैं बहुत अच्छे नेचर वाले हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को, चाहे मैम हो, सर हो या ड्राइवर सब, सर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक चीज़, मतलब बहुत फैमिलियर हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली गाइड्स हैं। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है, जिस गेट से हमने एंटर किया था अब उसी गेट से हम बाहर की ओर निकलेंगे। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स को ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि हम नॉर्मली 20 रुपये 25 रुपये की जो नॉर्मल बॉटल्स खरीदते हैं उसको पानी पी करके जस्ट फेंक देते हैं, वो एक तरह से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। तो इस बॉटल का सबसे पहली चीज़ तो मैं मटेरियल बताना चाहूँगा, ये प्लास्टिक का मटेरियल नहीं है, ग्लास है, ये ग्लास बॉटल है और सर जो इसका चार्ज ले रहे हैं वो सिर्फ 20 रुपीज़ ले रहे हैं, वो जो डिपॉजिट है 120। ये बॉटल अगर आप सही सलामत वापस से लौटा देते हैं तो 100 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे, मतलब जैसे आप नॉर्मल वाटर बॉटल खरीदते हैं 20 रुपये की, वही चार्ज है और ये बिल्कुल चिल्ड बॉटल है, जिस तरह की आपको चाहिए होगा, अगर ठंडा पानी भी चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाता है, जस्ट आपको वापस करनी है। और बॉटल रखने के लिए क्रेट्स भी है, क्रेट्स भी है गाड़ी में, जैसे जिप्सी में जो लेके जाते हैं तो हाथ में ना पकड़ ले, तो ये कैरेट्स हम लोग उनको देते हैं ताकि टूटे भी ना, इसमें टूटे भी ना, ब्रेकेज भी ना, ब्रेकेज भी ना, ये ऐसा ही होना चाहिए हर जगह, क्योंकि अंदर जाके देखा तो एक भी बॉटल मिली नहीं, कोई प्लास्टिक का कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो आदत है हम लोगों की कि पानी पी लिया तो कोई ना कोई करके कुछ ना कुछ करके डाल देगा, सही बात है, कहीं गिर जाता है डाल देता है जी। पर यहाँ पर ये जंगल में आपको इतना सा भी कूड़ा कचरा मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है, ये TATR के इस प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट करते हैं। यस बिल्कुल। तो अगर आप भी ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं ताडोबा सफारी के लिए, क्या करंट बुकिंग भी अवेलेबल होती है यहाँ पर, कैसे आप ताडोबा सफारी के लिए पहुँच सकते हैं मुहर्रिक जोन तक, और यहाँ पर किस तरह की होटल फैसिलिटी है, कहाँ पर आप रुक सकते हैं, किस तरह के फूड आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो ये थी हमारी सफारी ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई, हमें एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। आज जो टाइग्रेस हमने सबसे ज़्यादा देर तक देखे, जिसे ताडोबा की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है माया, ये उसी का स्टैचू है जिसे मुहर्ली एंट्री गेट पर बनाया हुआ है।